ये है देसी जड़ी बूटी। आज मैं पहुंचाऊ से स्पेशल एक फेमस वैद दौरा है। भीतर जो आप सामान देख ला रहे हो कोई नॉर्मल सामान नहीं है। घुटने में दर्द हो, कान में दर्द हो, पेट में पथरी हो, गुर्दे में पथरी हो या पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो, यू जो हमारे साथ में आप वैद देखने लाग रहे हो यू वो वैद है भाई। कब्ज की प्रॉब्लम हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, जो कि इन सारी चीजों का इलाज करेगा, बहुत कीमती सामान है ये। एड्रेस के है वह सारी ठीक करेंगी ये जड़ी बूटी तो। और इलाज के ऊपर करेगा कितने दिन इसने काम कर दा नो लिए है सारे डॉक्टर साहब तो जानेंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम भाई साहब। सबसे पहले अगर दर्शकों को यूँ बता दो कि आपका नाम के है। मेरा नाम है जी सुनील कुमार और अपना एड्रेस है जी जोई खुर्द, ठीक है, ये भिवानी लोहारू रोड के ऊपर पड़ता है जी, ऑन रोड लोकेशन अपनी। जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो पीपीएम आप जड़ी बूटी धर रहे हो कितने अफोर्ड करी है ये जी? कुछ बाहर से हैं जी, जैसे हमारी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है मतलब पेशेंट को, उसके लिए बाहर से भी जैसे शिलाजीत है वो हम नेपाल से मंगवाते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, ये पहाड़ों से लेकर आनी पड़ती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये पहाड़ियों से लेकर आनी पड़ती है। हाँ जी, एक बार मैं सारी बातों ने रोक करने पर न्यू पूछूँ कि आप कौन सी बीमारी का इलाज करो, जो सी मैंने बताइए है कि तलब और भी कोई? जिस तरह जी कान में, कान का इलाज करा पे, कान में छोटा छेद हो तो मतलब छेद ही बंद हो जाएगा, प्रथम छेद हो जाएगा कई पेशेंट का, या फिर जिसका रेसा या मवाद जिसने आप कैस कहा वो आंदा हो तो वो ही बंद हो जाए जी लगभग 10 दिन की दवाइयाँ में। और इसके बाद जिस तरह कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, मतलब लेडीज़ हो या मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो उसमें, ठीक है, जिसने आप हिंदी में मर्दाना ताकत कैस कहा, ठीक है, पथरी का इलाज है जी अपने पास में, 5 mm तक की पथरी है तो बाहर निकल जाती है जी, ठीक है। इसके बाद रहता है जी ज्वाइंट पेन हो गया या फिर कोई नस ब्लॉक हो उसका इलाज करते हैं जी, ठीक है जी। और इसके जैसे पेट की कोई समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन जिसने कब्जी कैस कहा भी, या फिर भाई बवासीर की शिकायत है तो उसका इलाज भी अपने पास है। एक जिस तरह जंग आप वगैरह पे एलर्जी हो जाए अगर लाल लाली चिंग सी जिसने आप कैस कहा तो उसका ट्रीटमेंट है जी अपने पास में। कुल मिलाकर आपने जितनी भी बीमारियाँ के नाम लिए हैं बहुत खतरनाक बीमारी है और इन सारी खतरनाक बीमारियों का इलाज इस छत के नीचे होगा। हाँ जी, कितने बाहर नहीं जाने जरूरत पड़े, बाहर जाने जरूरत कौन पड़े जी, अगर आप घर बैठे भी दवाई मंगवा सकते हो बाई कोरियर या बाई स्पीड पोस्ट आप ही भेज देवांगे पेशेंट ने। हाँ जी, कितने का भी हो जाए वो, कहीं का भी हो जी, लगभग 5-6 दिन में होम डिलीवरी हो जाएगी मेडिसिन। पेमेंट आपने फोन पे या गूगल पे एडवांस करनी होगी, ठीक है, आपको ट्रैकिंग नंबर भेज दिया जाएगा, कोरियर हो या फिर स्पीड पोस्ट हो दोनों का जी। डॉक्टर साहब एक बात जानूं मैं आपसे कि आपने वैसे बता तो दिया कि आप घनी बीमारी का इलाज करो हो, दवाई भी आप घर पे भेज दोगे, लेकिन मैं नू पूछना चाहूँ कि आपने कितना टाइम हो गया यू काम कर यो जी? पहले तो अभी कान का इलाज करा करते जी, लेकिन ये दवाई टेस्टिंग होने के बाद में या फिर मार्केट में उतारेंगे जी, तो पहले अपने पेशेंट थे या फिर अपने नॉन में थे फैमिली में थे उनका या फिर टेस्ट कराया है, उसके बाद भी अभी मार्केट में दे रहे हैं जी, इनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है सभी दवाइयों का। हाँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो? आयुर्वेदिक दवाई का सबसे प्लस पॉइंट यही रहता है जी, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बड़ी बात है भाई, प्लस पॉइंट है कि आयुर्वेदिक दवाई का वैसे आपने भी बेरा होगा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होया करता, और डॉक्टर साहब भी न्यूए कहा है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे डॉक्टर तो बहुत कह रहे जो गोली बूटी दिया करे, लेकिन डॉक्टर जो है जड़ी बूटी दिया हुआ यानी कि वैद है भाई, देसी वैद जिसने आप कह रहा, और वैद भी कोई छोटा मोटा नहीं है। आपने दिखता होगा कि चेहरा जो नया है यंग है लेकिन तजुर्बा पुराना है, कितना को तजुर्बा हम ये जी? मेरे को 10 साल हो गए, पहले पिताजी करते थे तो पिताजी से ही सीखा है जी। अच्छा, या तो मतलब चलती आ रही है, पिताजी ने आपको सौंप रखी है? हाँ जी, मतलब पिताजी भी करते हैं जी, मैं भी करता हूँ जी। मतलब बालकपन तो छोटे थे जब ते सीखने लग रहे? हाँ जी, जिस तरह यूनियो है जी, पहले हम वहाँ पे खेत में रहते थे भाई, पेशेंट आ नहीं पाते थे, अब अपने यहाँ पे चौकड़ जंगलों की फैक्ट्री है तो पेशेंट को ऑन रोड के ऊपर ये भाई थोड़ा इजी अवेलेबल हो जाएगी मेडिसिन। तो मान लो अगर किसी पेशेंट ने आप तो दवाई मंगवा ली और कुछ दिक्कत होगी तो जिम्मेवारी? जिम्मेवारी तो अपनी ही रहोगी जी, बाकी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आओ जी 1% भी। आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ रहती है जी अपनी, जिस तरह किचन का सामान हो गया, ऐसी चीज़ें जो किचन वाले सामान से किसी को दिक्कत आज तक तो हुई नहीं। तो भाई जो भी या दवाई लेना चाहे, जिसके भी प्रॉब्लम है, घुटने में है, पीछे कमर में नशा की प्रॉब्लम है भाई, एलर्जी की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, और खास मेन प्रॉब्लम जो कि आज घने में देखने में मिला है भाई, सेक्सुअल प्रॉब्लम, बहुत खतरनाक बीमारी है, यानी कि एक प्रकार से इंसान ने कंडम बना दे है। अगर किसी का है तो डॉक्टर साहब तब संपर्क कर सको, डिस्प्ले पर हमने नंबर दे रखा है, एड्रेस बता रखा है, कोई मिलकर लेना चाहे, कोई भाई अपनी सारी चीज़ भाई जिसकी जो भी मंगवाओगा उसकी जानकारी भी गुप्त रखी जानी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं जी, वो जैसे पेशेंट चाहता वैसे कर देंगे जी, कोई दिक्कत। होम डिलीवरी करवा दीजिए? होम डिलीवरी करवा देंगे जी। सारे हमारे दर्शक इसे हैं जो हो सके कि आपने आउट ऑफ कंट्री की मैं बात करूँ कि उसका फोन कंट्रियाँ तो आपने देखने ला करी हूँ तो वो ऐसा होता है जी, जैसे जी फोरन से फ़ोन वगैरह आते हैं तो उनका जो एड्रेस वगैरह वो इंडिया में अवेलेबल होता है जी, तो उस एड्रेस पे पहुंचा देते हैं वो भाई, जैसे आता है ले जाता है।
हाँ जी। तो भाई जिसने भी मंगवानी है दवाई, होम डिलीवरी फ्री है? होम डिलीवरी का जो कोरियर चार्ज होता है वही लेते हैं सर। कोरियर चार्ज बिल्कुल आपने भाई बता दू, कोरियर चार्ज सिर्फ आपका लगेगा थोड़ा ही बहुत हो रहा, घना नहीं लगा करता। वो जिसने भी मंगवानी है होम डिलीवरी करवा सको, दवाई घर पे मंगवा सको, घर बैठे सिर्फ एक कॉल पे। और डॉक्टर साहब ने कहे कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा उसका, बीमारियां के नाम एक बार डॉक्टर से फिर पूछ ले वहाँ कौन सी डॉक्टर साहब। जिस तरह जी पथरी का हो गया, ठीक है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है जी, घुटनों का दर्द या कमर में कोई भी दर्द होगा, ठीक है जी, इचिंग वगैरह हो जाती है जंग वगैरह पे, कान का भी मतलब कान में एक मतलब दर्द हो या फिर फोड़ा फूंस हुए मवाद आता है, पर्दे में छेद है, इन चीज़ों का जी अपना बहुत बढ़िया इलाज है जी। ये जो आपने एक बात बताई थी कि सेक्सुअल जो बीमारियाँ का आप इलाज करो, ये सिर्फ मेल के लिए या फीमेल के लिए? ये दोनों के लिए है जी। जैसे फीमेल के अंदर रहता है भाई लुकेरिया वगैरह, जैसे सफ़ेद पानी आना, तो उसका भी इलाज है जी। बड़ी पोस्ट हाँ जी, यानी कि गुप्त रोगों का भी इलाज करो। हाँ गुप्त रोगों का जी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पहले बता चुके हैं जी इसमें। तो भाई डिस्प्ले पर हमने नंबर डॉक्टर का मेंशन कर रखा है, जिसने भी कॉन्टैक्ट करना, संपर्क करना, खरीदनी है दवाई, लेनी है घर बैठे, तो वो कॉन्टैक्ट कर सके भाई। फिलहाल आपने किसा केला गया, जो डॉक्टर जिसने भी डॉक्टर भाई व्रत रखा है यानी कि दवाई ले रखी है, एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर करें भाई, ताकि जो भी देखने लग रहा है उसने एक पॉजिटिविटी मिल जावे, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर उन्हें फेंकने लग रहा हो, परेशान ना हो भाई, कितने नुकसान हो जावे। बाकी आपने वीडियो किसी के लागे कमेंट करके जरूर बताना है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।